तो ना देखूं मैम कैसे ड्राइंग कर रही है। ये मिर्जी की मिट्टी है। हम भी आ गए हैं अपनी मॉम को हेल्प करने के लिए, तो आई एम ऑर्गेनाइजर, बट क्या करें, इतना प्यारा बच्चा रहेगा जिसका एज अभी इसमें नहीं है, फिर भी वही है, बट स्टिल आई विल हेल्प। तो मम्मी करना क्या है, हेलो मैम, कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये लोग कितना जल्दी कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क करना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है सोरा, थोड़ा अच्छा तो देखिए मम्मी पापा को है। हेलो दीदी, हाय हाय, थैंक यू फॉर कमिंग, इट्स माय प्लेजर। हाय लसी, हमको भी हाय बोलिए। हाय दिया, तुमको बोलना पड़ेगा, तुम तो ऐसे ही आ जाएगी। हाँ आता है GoPro से फोटोज भी आ रहा, तुम काम करो जल्दी, चलो बनाओ बनाओ बनाओ। तो वर्कशॉप में क्या सीखने को मिला, फर्स्ट स्टेप क्या है बताओ, क्या है फर्स्ट स्टेप तुम्हारा, तो तुम शुरू नहीं है ना, फर्स्ट स्टेप क्या है बताओ शिवानी, आप बताओ फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ड्रॉ करना है कैनवस में, सेकेंड स्टेप करना है मोल्ड को चिपकाना है ना, कैसे मिक्स करते हैं मोल्ड को बताओ, दोनों मोल्ड को हाथ में रख के करना है, कितना जल्दी ड्राई होता है, 20 मिनट्स के पहले आपको मोल्ड को चिपका देना है, अभी बिगाड़ दिया है मोल्ड को, कैसा लग रहा दीदी, मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको, लेकिन वो आपका बनाया, अरे मजा आ रहा है, बन रहा है, कैसा लग रहा है गुनगुन, अच्छा सारा मजा आ रहा है, मम्मी हाँ वाओ क्या बात है, हम अकेले इतना बना रहे हैं, गुड, तुम तो स्मार्ट बॉय है मेरा, निशा जी ओ जी कैसे मानो, चलो ऑल द बेस्ट टिया, अरे वाह मम्मी, देखो अब यहाँ लग रहा है ना कि हमें थोड़ा सा यहाँ पर गुड। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आज है 18th ही है ना, राइट, आज 18th ऑफ मई है, जैसा कि मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में किया था कि टुडे इज़ अ लिप्पन आर्ट वर्कशॉप, सो वर्कशॉप इज़ गोइंग ऑन एंड काफ़ी ही अच्छा मतलब क्राउड है यहाँ पर और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो मैं दिखाती हूँ, और हमारे साथ पिडलाइट इंडिया से मतलब निक्की मैम हमें ज्वाइन की है एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर मैम हमें गाइड कर रही हैं, सिखा रही है मेरे सारे स्टूडेंट्स को और जितने भी लोग पार्टिसिपेंट किए, जो भी आउटसाइडर्स भी है, और मैं अभी अनाउंस कर दे रही हूँ टुमारो इज़ अ ग्लास पेंटिंग वर्कशॉप, सो अगर अभी भी टाइम है, इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन टुमारोज सेशंस, दैट इज़ फ्री, वर्कशॉप इज़ कम्प्लीटली फ्री, बस आपको अपना मटेरियल लाना है, वो भी बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे है, तो अगर जिनको ज्वाइन करना हो या तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, ठीक है, और मैं आपको मटेरियल लिस्ट भेज दूँगी एंड अपना नाम दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, सो चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। हाय निशा, वेरी नाइस, यहाँ पर सबसे छोटी कैंडिडेट है स्वरा पांडे, से हाय, हाय, कैसा लग रहा है आपको, ठीक बस ठीक, हेलो निक्की मैम, तो निक्की मैम है जिनका मैंने अभी जिक्र किया, हेलो, सो मैम मैं पिडलाइट से हूँ, आज लिपन आर्ट का क्लास चल रहा है, बच्चे काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बना रहे हैं, मजा आ रहा है उनको, मतलब आप उनसे जान लीजिए मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी सबका रिव्यू लूंगी, तो मेरी मामा फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मॉम भी आर्ट वर्कशॉप कर रही है, मम्मा कैसा फील कर रहे हैं बताइए, बहुत मजा आ रहा, बहुत अच्छा मजा आ रहा है ना, सो अरित हाँ मतलब क्या, हाँ मतलब बहुत फीका फीका आ रहा यार अरित, उनको क्लास पेंडिंग करना था, आप अपना नाम बताइएगा, अक्षिता, अक्षिता जी कैसा फील कर रहे हैं, देखिए जी क्योंकि कुछ लोग आउटसाइडर हैं तो मुझे भी नाम याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कुछ लोगों का नाम मुझे पहले से पता है, जैसे जो मेरे स्टूडेंट है, हाय गुनगुन, इंजॉइंग, क्या बना रहे हो, वाह गुनगुन ने भी इतना बना लिया है,
वेल लिप्पन आर्ट मेरे लिए भी थोड़ा न्यू है। हाय राहिल, गुड। अपनी क्रिएटिविटी से राहिल कुछ क्रिएट कर रहा है। नेम बताइएगा। हाँ हाँ या हीज नेम इज अवनेश। अवनेश मतलब मेरे स्टूडेंट नहीं है बट आई थिंक अगर इनको पसंद आएगा तो मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अवनेश यू आर मोस्ट वेलकम। हाय दीदी, क्या बात है भाई, दीदी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब कलरिंग वगैरह करेगी। हाय टिया, या चलो टिया ने भी इतना कंप्लीट कर लिया। हाय डॉल्सी, क्या बना रहे हो? वाओ। हाय मम्पी, सो डॉल्सी को उनकी मॉम जो कि लगती नहीं है वो हेल्प कर रही है। बहुत ही खूबसूरत है, क्या बात है, वेरी नाइस फिनिशिंग। बड़ी दीदी, हाय ज्योति। हाय, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आप अपना नाम बताइएगा। श्रेया। श्रेया कैसा लग रहा है श्रेया? अच्छा। फ्लेमिंग आर्ट में आके मजा आ रहा है? अच्छा। चलो इंजॉय। हेलो श्वेता दी। हाय। श्वेता दी भी मतलब बहुत अच्छा काम करती है तो मैंने उनको ऐसा मतलब बुलाया है कि आइए दी थोड़ा इंजॉय कीजिए, हमें बूस्ट कीजिए, अपने एनर्जी को हमें भी दीजिए थोड़ा। से हेलो, तो दी के साथ आई हैं आप हमें भी। मेरा फ़ोन आ रहा है, निशा देख लीजिए ना किन का है। अच्छा उठा लीजिए ना एक बार। सो हाय नेहा। हाय मैम। अभी तक अच्छा ये इनका थोड़ा क्रिएटिविटी लेवल अलग चल रहा है, थोड़ी डिटेलिंग में काम कर रही है इसीलिए इनको थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे इनको भी मतलब चीज वेल ट्रेंड। हाय शिवानी, इंजॉय ना। अरे वाह, सबके लिए मतलब मेरे स्पेशली आज जितने भी कैंडिडेट आए हैं कुछ लोगों को पहले थोड़ा बहुत आता है लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहली बार कर रहे हैं। आई थिंक सविता भी पहली बार कर रही है ना। हाँ, क्योंकि इससे पहले थोड़ा देर मैंने सुना था कि चिपकाने के लिए ग्लू का भी यूज़ होता है, ये लोगों को नहीं पता था। ए वर्षा, वर्षा को तो सब जानते ही है ना। तो वर्षा भी कुछ अच्छा डिज़ाइन बनाई है, वो अभी जब बनेगा तो फाइनल दिखेगा। कनक, बड़ा स्माइल करते रहती है, शर्मीली बच्चा है, देखो देखो चेहरा ही नहीं दिखाना है, क्या बात है। गणेशा, फाइनल रिजल्ट तो आई एम वेरी एक्साइटेड, उसका फोटो एंड वीडियो में डालोगी। पारो, हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अबीर, अबीर मतलब आईज से कुछ ज़्यादा कनेक्टेड है, ही इज डूइंग समथिंग आईज एंड ये माई है जो कि उठ के भाग गई। क्या बात है माही, तुमको तो वहाँ के फोकस मिलेंगे तो माही ठीक है सर, मारिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो गाइज, वर्कशॉप इज गोइंग ऑन एंड बहुत मज़ा आ रहा है एंड अगर आप लोग भी आते तो आप लोग भी ऐसे ही इंजॉय करते हैं एंड मैं फाइनल ज़रूर दिखाऊंगी फोटोज़ वीडियोज़ कि सबने कैसा काम किया है। तो आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट एंड थैंक्स टू ऑल। मीशो से? अरे वो फ्रॉड कॉल है मम्मी। अच्छा एक फ्रॉड कॉल आया था मेरे को 25 लाख रुपए जीते थे ना। हेलो, हाँ जी, अच्छा गेट के अंदर डाल दिया ना, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। क्या था वैसे सामान? तो नहीं आप अंदर नहीं डालिए, आप बाद में डिलीवर कीजिएगा फिर कल। तो ऐसे तो मैं OTP नहीं दूंगी। अच्छा तो 2 मिनट रुकिएगा, फ़ोन पर रहिए, तो 1 सेकंड 2 मिनट रुकिएगा, पकड़िए तो निशा, निशा फ़ोन पकड़िएगा। सो मेरे कज़िन कॉल आ गया तो मैं ये लाइव अभी क्लोज कर रही हूँ। ये स्वरा, क्या बात मैम, आपके मेटालिक पेंट में कुछ ज़्यादा ही मेटल मिला। हाँ वो मेटालिक में वैसे ही होता है ना, पूरा प्रॉपर नहीं आता है। अरे अच्छा है, क्या बात है।
गुड मॉर्निंग, टुडे इज अ डे टू और ये लोग दोनों बात कर रहे हैं तो अब हो जाएगा। सो आज है ग्लास पेंटिंग का वर्कशॉप, फिर भी ये लोग दोनों बात कर रहा है। आइए व्लॉग में जाएगा मेरा, करो 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 बातें कर लो तुम। हेलो हेलो हेलो, ठीक है हम डालेंगे व्लॉग में। मतलब समझ में नहीं आता है आज वर्कशॉप है, मेरे पास है फोटो एडिट करने से आएगा। सो आज देखते हैं कि जो बच्चे कंप्लीट कर दिए अपना वर्क, प्लीज डिस्टर्ब मत करो ना यार, डिस्टर्ब मत करो, कीजिए कीजिए डिस्टर्ब कीजिए। तो कल जो बच्चे काम किए थे अधूरा वो आज कंप्लीट करके लाए हैं, सिवाय टिया के। हर चीज टिया, तुम्हारा मटेरियल मेरे गाड़ी में पड़ा हुआ था, तुम निकाल ही सकते, ठीक है? तो ये घूम रही थी, बिजी थे थोड़ा सा ना गाइस। नहीं वो हम नहीं जानते। तो आज देखते हैं, आज देखते हैं किसने क्या बनाया है और कैसा बनाया है। और ये और फाइनल फोटोज भी हम अपडेट करेंगे तो दिखाते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं कनक की तरफ, कनक दिखाइए काम, ये लोग को इग्नोर मारो। वाओ कनक, कैसा फील कर रही हो? बहुत अच्छा। पहली बार? अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। वेरी गुड, आई लव दिस कलर कॉम्बिनेशन, गणेशा इज सो गुड। डॉल्सी अरे ये तो आपका कल ही कंप्लीट हो गया था ना? वाओ बहुत खूबसूरत, पहली बार बनाया डॉल्सी। आपकी एज क्या है? 11। ऐसे 12 इयर्स तक था लेकिन आपको मैंने अलाउ किया, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। गुड जॉब गुड जॉब। ज्योति, वाओ ज्योति सो नाइस। अच्छा घर में कैसा लगा, मतलब सबको अच्छा लगा ना, सब पसंद किए ना? थोड़ा फिनिशिंग वगैरह में ध्यान देना और अच्छा हो जाएगा। श्रेया आप क्लास ज्वाइन करो, पहले तो हम तो बोलेंगे ड्राइंग क्लास भी ज्वाइन कर लो, आप जुड़ जाओ मुझसे। और कैसा फील कर रहे हो वर्कशॉप में आके? कुछ नया सीखने को मिला? आपका काम भी बहुत प्यारा लग रहा है, आप भी थोड़ा बहुत फिनिशिंग में ध्यान दोगे और स्मूथ हो जाएगा। दीप्ति बहुत सुंदर है, द कलर कॉम्बिनेशन आई रियली लव इट। थोड़ा सा ये पैचेस वगैरह आ रहा है, यू कैन डू द सेकेंड कोट ऑफ कलर मेरे से ले लेना एंड वो और सुंदर हो जाएगा। दिखा दो अवनेश, अरे कम से कम अधूरा ही दिखा दो। अच्छा ठीक है, तुम अपने उम्र से बहुत छोटे हो लेकिन कोशिश अच्छा किया है। ऑरेंज कर दो आप, कोशिश अच्छी है और अच्छा करेंगे। राहिल, राहिल का तो मेरे पेंटिंग बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी क्रिएटिविटी है, कैसा लग रहा है? क्या है ये, ऐसा एक्सप्रेशन था राहिल का, है ना? मजा नहीं आया ना? नहीं आया ना? आया आया। बच्चा नाम बताना फिर से। आशिका, हाँ अक्षिता, ये हम क्रॉप करेंगे, ठीक है? मेरे को थोड़ा नाम याद करना। हेलो अक्षिता, गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, दिखाओ सामने से, सामने लाओ। हाँ ये बहुत खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है। अरे तो अपना मिस कर दिया ना, गुनगुन दिखाओ, ये मज़ा आया। स्वरा अपना वर्क दिखाओ, स्वरा और मम्मी मिलके बनाई है, कैसा लग रहा है? थोड़ा सा बनाई थी, पूरा बनाया। तू पूरा बना दी? अरे वाह स्वरा, दिखा दिखा, बहुत खूबसूरत बेटा, बहुत खूबसूरत। तो चलो आज सब ग्लास पेंटिंग करेंगे, तो मैम आज काम स्टार्ट कर दिया और मैं आप सबको इंटरप्ट नहीं करूँगी।
सारे लोग अप्रिशिएट करते, वाह वाह बोलते। घर पे मम्मी तो देखी होगी नया कुछ कर रही है ना, लिपन की है पहले? नहीं की, वैसे नॉर्मल से। बहुत खूबसूरत और फिर कम्प्लीट किए, लेकिन कम्प्लीट कर लेना फिर देखेंगे वैसा काम। मैम को दिखा, चलो मैम इसका काम देखिएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। पोस्टर वाला नाइस, नहीं वेरी नाइस, वेरी नाइस। इनका जो मॉल्डिंग से आप जो काम किए हैं ना, वो एकदम इक्वल है हर जगह। हम बताएंगे कि पारो इज वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट, क्योंकि जब मैं इसको टास्क जो भी देती हूँ ये बहुत डेडिकेशन के साथ करती है। और सिमिलरली वर्कशॉप में भी पारो का काम दिख रहा है, तो गुड जॉब मेरा बच्चा, वेल डन। एक्स्ट्रा अलग से तुम्हारा शूट होगा, ठीक है ना? चलो बाय, चलो ऑल द बेस्ट ग्लास पेंटिंग के लिए। तो तुम डॉल्सी का ले लेना। एक और हम आपसे ब्रश से भी बता देंगे, ठीक है? तुम लोग भी आओ, देखो मैम शेडिंग बता रही है। कम स्टूडेंट्स, अगर आप कैसे बता रहे नहीं जाएगा ना, बबल बीच में और नहीं जाएगा तो उसको कॉर्नर पे, किसी भी कॉर्नर पे लाके छोड़ दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, अच्छा वो कॉर्नर नहीं जाएगा, उसको पिन से करेंगे। हाँ पिन से ही करेंगे। आप देखिए रोज ये भी आया, एक काल आ गया। हमको पता है ये चीज़ सीखना था, हम स्कूल टाइम में बहुत बड़े बड़े क्लास पे किए थे, लेकिन बबल्स आते थे। चलो बढ़िया, देखो ठीक है, कितना सारा बबल्स आ गया है ना। कॉर्नर में ला दीजिए इसको, पिन से कहीं कीजिए, नहीं होगा ना बहुत छोटा हो जाएगा तो इसको कॉर्नर पे ला दीजिएगा। सूखने के बाद ना बबल्स इतना गंदा दिखता है, बहुत गंदा। और ये सिर्फ उठाइएगा नहीं, लेके दिखा रहे हैं एंड दिखाते हैं कि कैसा वर्क हुआ है। सारे बच्चे हैं यहाँ पर, देखते हैं
और मुझे मेरे वीडियो को ख़राब करने में इस लड़की का हाथ है। प्लीज़ माई जब एडिट करेगी ना इसको मीम्स में ले लेना इस लड़की को। देखो स्वरा ये स्माइलिंग फेस। ओ मम्मा बॉटल दिखाइए। So, एक बार ग्रुप में पूछेंगे कि हाउस एक्सपीरियंस गर्ल्स बॉयज सारे लोग प्लीज अपने एक्सपीरियंस बताएं कि दो दिन में आपने क्या सीखा। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। हम लोग इतना मतलब वो लिपन आर्ट मतलब इतना डिटेल में नहीं पता था, मैम बहुत अच्छे से डिटेल में बताई और फिर ये ग्लास पेंट भी मतलब बहुत अच्छे से मैम बताई। और एनीथिंग एल्स कोई और जिसको कुछ नया सीखने को मिला हो, कोई नया एक्सपीरियंस हो? कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा। अरे वाह डॉल्सी कुछ कहना चाहेंगे? बोलो थैंक यू मैम को। चलो अब एक साथ मैम को सब थैंक यू बोल दो। वेरी नाइस वेरी नाइस। Bye.